महानदी को डेईं पड़ी जने हाईस्कल छात्री निखोज। संबलपुर चाउरपुर ब्रिज रु छात्री जनक महानदी को डेईं पड़ा सूचना मिली। ब्रिज उपर छात्री सैकेल देखा मिली। उद्धार पर अग्निशम बाहन घटनास्थल में पहुंच खोजाखोजी जारी रखी। सूचना अनुजाई बड़बजार अंचल नवम श्रेणी में पढ़ुता छात्री जनक सैकेल धरी सका सका स्कूल को बाहरी पर लोक जानवाक झीटी महानदी को डेईं पड़ी। एक खबर पाइबा पर लोकों सह पड़ोसी घटनास्थल में पहुंची। निखोज छात्री बापा कहवा अनुजाई परिवार लोकों सह कौन झगड़ा होनता तेज काही और कौन पर छात्री जनक एभली निष्पत्ति ने स्पष्ट हो रनिंग करी आसती आसला से झील से सैकेल पाखी थी सैकेल पाखे थी टाइम देखु देखु से गोटे वाल देखिए दूसरा वाल को वाल को देखिए सागे सागे पड़ा मु रिह कही से कौ कौ से झील नहीं पड़ा और ये देखी और खेली 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 जा पानी बहिक जा गच अच्छे जा रेनु कोर्ट ले था मैं मना कर ली ए छुआ कहीं गला सब स्कूल रे जिम्मेदारी थे अपन मैंने जानवे इटा कथा घरे सार किसी नहीं हुए मुझे गुपचुप बिकुच जा गुपचुप हमारे इंतजार बेला होते तो फोन गला मुझे कहूँ जा छुआ देखे नदी में कूदी जाए जियोर ना कविता सहनी काजल काजल कविता मोर बड़ झील भी बुड़ी जाती है पानी रे आगुरु दस बार बरस आगुरु से छुआ शांति कविता भी बुढ़ी जाती हमर मंडली आ रे खराब हो गला नहीं पाई कहीं ना खोजले नहीं सर कहीं अपन स्कूल के थाना वाला कहू ना स्कूल के जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल के डाकू पचारि से गोटे झील तार ना काजल साहानी बोली मंडलियार से हिंदी स्कूल पढ़ुंट आम गोलबजार पाखे से आज सका छा पैंचाश मान प्रत्यक्षदर्शी भी अच्छा से हटात डे पड़ते नदी को जो से बर्तमान आमर फायर टीम एवं अन्य जो मैंने अच्छा फायर से सब आसिक खोजाखोजी बर्तमान कर जेहेतु अति सका सांगे सांगे खबर पाऊ पाऊ सत्कार पलि आस बर्तमान खोजाखोजी चली देखु जो भगवान करूँ तो सुरक्षित भाव से बापा कहवा हिसाब से सी पहरा भी जानते तो जो कौन से गच पचर लगे तो सुरक्षित भाव के उधार देखु ना बर्तन बर्तन कारण तो किसी जना पड़नी जेहतु माँ बापा आने ग्रेर अच्छा पचरा उचरा करूँ से कही ना खोजाखोजी कर बर्तमान गोटे टीम जा पठाई स्कूल को जेहे छा पैंचाश क्लास जो सतटा जा आम देखु से भेरीफाई करेरीफाई कला जन हिंदी स्कूल अच्छे मंडलिया घर टा अधिक सूचना पई संबलपुर रो लाइव रहउछंती आम संबलपुर ब्युरो हेड संजय जेना। संजय वर्तमान सुधा किछि खबर मिल पाल्लानी कि वर्तमान छात्री एवं केमती खोजा खोजी अग्निशम बाहिनी पक्षर जारी रही एवं काहे कि से प्रकृत रे डेइले जदि घरे किछि झगड़ा होइना हि किछि समस्या होइना हि ताले कोन पई से भली एक चरम पदक्षेप नेले किछि जणा पडुछि कि देखते बर्तमान समय अपडेट हूँ बर्तमान चारोटी अग्निशम बाहन चारोटी टीम सर्च ऑपरेशन रे नियोजित अच्छा संबलपुर बुर्ला और मानेश्वर तीनोटी फायर टीम सामिल होती सहित नॉर्दर्न फायर रेंज रो एक स्वतंत्र टीम
ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ହଠାତ୍ ସାଇକେଲ ରଖିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସେମାନେ ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବଂ ପୋଲ ଉପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେତା ହରଉଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ହରଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର, ଗୋଲ ବଡ଼ବଜାର ମନ୍ଦିଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଗୋଲ ବଜାର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏବଂ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପାଖାପାଖି 90,000 ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ 10,000 ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଦ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କେତେବେଳେ ଏହି ଖୋଜାର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଇଁଲେ ଏବଂ କଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 4ଟି ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।